चूरू जिले के सरदार शहर में अगर राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो सुखराम बाना की का नाम भी हमें सुनने को मिलता है। सुखराम बाना के राजनीति में रहने का तरीका यही रहे कि ये भंवरलाल शर्मा के धुर विरोधी नेता रहे हैं, भंवरलाल शर्मा के ये सामने रहना ही पसंद करते हैं। शुरुआत के अंदर इन्होंने 1985 के अंदर सरपंच का चुनाव लड़ा, 10 साल सरपंच रहे, 5 साल इनकी धर्मपत्नी रही और खुद सरस डेयरी के चेयरमैन भी बने। और भाजपा के अंदर ये दो बार मंडल अध्यक्ष रहे, जिला उपाध्यक्ष भी रहे, भाजपा ने इनको अपने अनुसार कद दिया। शुरुआत इन्होंने कांग्रेस की जब भंवरलाल शर्मा जनता दल और भारतीय जनता पार्टी में भी रहे थे उस समय, उसके बाद इन्होंने 1995 में जब भंवरलाल शर्मा ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे तो उसके बाद ये बीजेपी में आ गए। 1995 में से लेके आज एक वरिष्ठ जाट नेता के रूप में भाजपा की ढाल बने हुए हैं और लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। एक चुनाव इन्होंने मामूली 3 मतों के अंतर से हारे था, जिसका अफसोस इनके समर्थकों को आज तक है। सुखराम जी बाना से बात करते हैं। बाना जी, आप कांग्रेस में से शुरुआत की, भाजपा में जाने का क्या कारण रहा? भाजपा में जब भंवरलाल जी शर्मा कांग्रेस में आ गए तो हमने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर ली और आज तक भाजपा में हैं। भंवरलाल हमारे विरोधी हैं, वो उनका कुछ बोलने का और स्वभाव ठीक नहीं है, इसलिए हम वहाँ रह नहीं सकते। नहीं, भंवरलाल शर्मा को छोड़ने का मोटा क्या कारण रहा कि कभी आप उनके पास ही नहीं गए, दूर ही रहे, तो ये मोटा क्या कारण रहा कि वो आपको कभी रास नहीं आई, पसंद नहीं है? नहीं, ये रहा, ये मंत्री भी रहे थे तो हमारी शिकायतें वगैरह इन्होंने बहुत की, झूठे केस करवाए और केस में इन्होंने सफलता नहीं की, झूठे करवाए थे, इसलिए हमारी इनसे बनती नहीं। मतलब भंवरलाल शर्मा झूठे मुकदमे में उड़ जाने की राजनीति करते? हाँ बिल्कुल, झूठे मुकदमे 2-3 करवाए मेरे। तो उसके बाद आप का राजनीतिक में भंवरलाल शर्मा के आने के बाद में जब आप अपने मूल कार्यकर्ताओं को छोड़ चुके थे नए कार्यकर्ताओं के बीच में, तो अपने आप को कैसे सेट किया? नहीं, वो जो पुराने कांग्रेस में मेरे साथ कार्यकर्ता थे, वो जब मैं भाजपा में गया तो वो सारे मेरे साथ चले गए, वो आज भी है मेरे साथ। वही कार्यकर्ता जो कांग्रेस में थे वो मेरे साथ पंचायत में आज भी है। मतलब आपके जो कार्यकर्ता वो आपके साथ चलते हैं, उनके लिए पार्टी से ज्यादा आप महत्वपूर्ण हैं? बिल्कुल, वो तो मेरे को ही मानते हैं पार्टी, वो आपको पार्टी मानते हैं। अब आप ब्लॉक का चुनाव लड़ रहे हैं, वयोवृद्ध नेता है, भाजपा के अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो सुखराम जी ने बीजेपी को 0 से लेके अब जो 0 से सीकर तक का भाजपा ने सरदार शहर में जो सफर तय किया है उसमें बहुत बड़ा योगदान है, तो वो आपका आपको प्रधान का दावेदार भी मानते हैं, तो आप क्या मानते हैं भाजपा में जो चल रहा है, तो ये जो ये चुनाव है कहाँ लेकर जाएगा? देखो, ये तो पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो तय करेंगे, और वो जो तय करेंगे पार्टी के शीर्ष नेता, हम उसको मंजूर करेंगे। आपको क्या लगता है 25 सीटों के क्या परिणाम आने वाले हैं और कौन कौन प्रधान के दावेदार रहेंगे? प्रधान के दावेदार तो भाई अब कौन रहेंगे, क्या रहेगा, भाई जयदेव सिंह है, इधर वो जगदीश बनिया सर भी दावेदारों में है, पुराने प्रधान जी सत्यनारायण जी हैं ही, और मैं भी इच्छा रखता हूँ। अब आगे जो पार्टी नेतृत्व तय करेगा वो होगा। इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है, इच्छा रखनी भी चाहिए। अगर आप अभी जीत कर जाते हैं और आप लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष में रहे विपक्ष में रहे, लेकिन सक्रिय तो आप लगातार अपने क्षेत्र में रहे ही हैं, आपके ब्लॉक की वो कौन सी समस्या है जिन्हें पूरा करना आपका एक बड़ा सपना है जो आप पूरा कर नहीं पाए? समस्या अनेक है, एक समस्या नहीं है, हमारा ब्लॉक पिछड़ा हुआ रहा है हमेशा। सरदार शहर तहसील का पश्चिमी साइड का जो एरिया है वो सड़कों से ले लो, शिक्षा में, सब बात से पिछड़ा हुआ है, और सरकारी जो योजना है उनका लाभ आज तक जो गरीब व्यक्ति है, गरीब परिवार का व्यक्ति है, उन तक नहीं पहुंचा है पूरा, इसलिए हमारा प्रयास रहेगा भी उन तक वो लाभ पहुंचाए। बिल्कुल रहेगा कि आपका कि उन तक आप लाभ पहुंचाएं। दो बार आपकी पार्टी बीजेपी की भी पंचायत समितियां रही है, बाकी कांग्रेस की रही है, तो इनमें क्या अंतर रहा? क्या बीजेपी की जो पंचायत समितियां रही उनमें यहां लाभ आसानी से पहुंच पा रहा था? बिल्कुल, पंचायत समिति जब बीजेपी की रही है उनमें भ्रष्टाचार कम था, और कांग्रेस की बीजेपी पंचायत समिति रही है उसमें भ्रष्टाचार ज्यादा रहता है, इसलिए गरीब तक लाभ नहीं पहुंचता, बिचौलिए बीच में दलाली कर जाते हैं।
आपका मतलब जो गांव है वो मैं सरदारसर से लगभग 50 किलोमीटर दूर तक आपका ब्लॉक है, ऐसी स्थिति में चाहे एएनएम हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या शिक्षक हो, कंपाउंडर हो, ये लोग यहाँ रहते नहीं, यहाँ पद रिक्त रहते हैं, तो इसके लिए क्या प्लान रहेगा आपके मैं नेताओं से मिलकर? नेताओं से मिलकर के जो रिक्त पद हैं वो भरवाएंगे, और जहाँ जिस गाँव में एएनएम नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, वहाँ प्रयास करके खुलवाएंगे जो जनता को लाभ मिल सके। जनता को लाभ मिले में मिल सके तो आप करवाएंगे। अगर आप प्रधान बन जाते हैं तो अपने गांव को सबसे पहले कौन सी बड़ी सौगात देंगे जो यहाँ के लोगों को लगे कि जिस बालक को आज हमने मतलब अंतिम मुकाम तक एक बड़ी बुलंदी तक पहुंचा दिया है, तो आप अपने लोगों को सबसे बड़ा क्या तोहफा देंगे? अपने लोगों को सबसे तोहफा ये है कि सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो गरीब व्यक्तियों तक पहुँचाने में हम कामयाब हो जाएंगे। सुखराम जी, आप बड़े वयोवृद्ध नेता है, आपके शब्द नपेतुले होते हैं, जिनका राजनीतिक अर्थ अनेक प्रकार से लगाया जा सकता है। आप एक बात बताइए जो हर कोई जानना चाहता है कि अगर बीजेपी की पंचायत समिति बनती है तो आप में प्रधान के दावेदार ज़्यादा है, और तो उस हिसाब से पार्टी की बिखराव की पोजिशन बनने की स्थितियाँ नहीं रहेगी क्या? नहीं, बिखराव वाली क्या बात है, पार्टी जो नेतृत्व तय करेगा वो प्रधान बन जाएगा, नेतृत्व जो है हमारा ऊपर का वो तय करेगा, वो प्रधान बन जाएगा। जैसे कि अभी आप बता रहे थे 3-4 नाम, हम मान लेते हैं कि 5-6-7 तक लोग हो सकते हैं, तो वो सभी सहमत रहेंगे चाहे कोई बन जाए, आप में से वो नाराजगी नहीं रहेगी? नहीं, नाराजगी हमारी तो नहीं रहेगी। और बीजेपी में पिछली दफे भी भैरव सिंह जी प्रधान बने थे, तब एक दो मेंबर बिखराव में गए थे, फिर भी भैरव सिंह जी को हम लोगों ने प्रधान बनवा दिया। नहीं, ये तो निश्चित है कि बीजेपी ने आज तक बिखराव की वजह से नुकसान नहीं झेला है, बिखराव की कुछ जो कोशिश है वो थोड़ी हद तक सफल हुई है, पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई है। आप तो नहीं भागे, ये तो सही है, जो 25 आदमी लड़ रहे हैं वो आपके साथी लड़ रहे हैं, उनमें से मतलब क्या लगता है? नहीं, मेरा भागने का तो कोई मतलब ही नहीं, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि सुखराम बाना पार्टी छोड़कर भाग जाएगा, चाहे पंचायत समिति के मेंबर तो बनेंगे ही बनेंगे, प्रधान नहीं बने, पार्टी नेतृत्व नहीं पसंद करे तो प्रधान नहीं बने, तो नहीं बने क्या बात है। आपके कार्यकर्ता ये भी कहते हैं कि जो हमारे सुखराम जी बाना है वो प्रधान बने तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बने तो प्रधान से किसी कदर कम नहीं होंगे, ये कहां तक सच है? नहीं, एकदम सही है, इंसानियत काबिलियत अगर है तो प्रधान नहीं बने तो क्या बात है, काम तो करवा ही सकते हैं। आप गांवों में जाके गांव-गांव ढाणी ढाणी इस उम्र में भी पहुंच रहे हैं, शायद आपकी उम्र 75 से ज्यादा हो गई है, तो इतनी उम्र में भी आप है मतलब युवाओं जैसा जोश लेके घूम रहे हैं, तो मतलब क्या संदेश देते हैं उनको, क्या कहते हैं, क्या कह के वोट मांगते हैं ताकि इस वीडियो के माध्यम से भी आपके समर्थक देखें? भाई, यहाँ जो विकास की कमी है हर बात के लिए, भाई अध्यापक स्कूलों में अध्यापकों की कमी है, डॉक्टर नहीं है, उनकी कमी पूर्ति कराने के लिए मेरा प्रयास है कि अपने कोई पद पर आ जाए तो ये कमी पूर्ति करवाएं। सुखराम जी, एक लाजमी सवाल बनता है कि आप इतने लंबे समय तक रहे, भाजपा की सरकारें भी रही है, एक बार आपका विधायक भी भाजपा से जीता है जो उस समय तो सत्ता नहीं थी, लेकिन आपके द्वारा वो कौन कौन से यहाँ पे विकास कार्य कराए? पहले यहाँ पे मतलब सुना जाता है कि कुछ भी नहीं था, पीने का पानी नहीं था, कच्चे रस्ते थे और कोई भी आना चाहे तो बहुत मुश्किल था, तो आपके प्रयास से क्या क्या हुआ? यहाँ बहुत हुआ है जी, बीजेपी के राज आया है तब यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूलें खुली हैं, खूब सड़कें खूब हुई हैं, बल्डा रोड भी खूब हुई हैं, यहाँ बहुत विकास हुआ है, बीजेपी के राज में ही है, हमारे रंगाई सर है, सोनपाल सर है, कीका सर है, इन गांवों में सब जगह उच्च शिक्षा की स्कूलें हैं, सड़कें हैं और पानी बिजली है, ट्यूबवेल है, हाँ ये सब है। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो कितना कांग्रेस ने करवाया, कितना बीजेपी ने करवाया? काम तो लगभग 70-80% बीजेपी ने करवाया है, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं करवाया, कांग्रेस की तो अब सरकार है, कोई काम है ही नहीं, दो साल हो गए कांग्रेस की सरकार है, कोई काम नहीं है, दो साल से कांग्रेस की सरकार है, किसी प्रकार के काम नहीं है, तो पंचायत राज से क्या बिल्कुल भी बजट नहीं आ रहा है, ये भी सरकार की जिम्मेवारी है? ये सरकार की जिम्मेवारी है, पंचायतें कोई काम नहीं है, पैसा बजट का है ही नहीं, कहाँ गया पता ही नहीं। तो जो राजस्थान सरकार की 2 साल की निष्क्रियता है वो इसका जवाब जनता वोटों के माध्यम से देना चाहेगी? अभी दे देगी, 5 तारीख को ही देख लेना, पंचायत समितियां बीजेपी की बनेंगी।
एक बात सुखराम जी, आप ईमानदारी से बताओ, आप जब ब्लॉकों में घूमते हैं, आपके सामने जो उम्मीदवार है वो एकदम नया उम्मीदवार है, राजनीतिक अनुभव की कमी है, उसके साथी या उसके पार्टी के जो पदाधिकारी निश्चित रूप से वो अनुभवी हो सकते हैं, तो आपको ऑल ओवर मतदाताओं में किस प्रकार का मतलब रुझान देखने को मिल रहा है, क्या स्थितियाँ रहने वाली है? स्थितियाँ ये है जी, मेरे सामने में इतने साल हो गए मेरे को काम करते हुए इस ब्लॉक में, कोई आदमी सरपंच रह जाते हैं वो लोगों के पैसे खा जाते हैं, लोगों के साथ बदमाशी कर लेते हैं, लेकिन कोई आदमी मुझे ये नहीं कह सकता भी सुखराम बाना हमारा एक नया पीसा भी खा गया, इसलिए मेरी ईमानदारी के बल पर मेरे साथ हैं लोग, वोट दे रहे हैं। आप जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? 100%। ये थे सुखराम बाना जो अपने जीत के प्रति काफी आश्वस्त है और तटस्थ नेता है, और एक जो राजस्थान लेवल पर जो भूचाल लाने वाले नेता हैं भंवरलाल शर्मा, उसके उनके विरोध के अंदर हर वक्त रहते हैं, उनके बोलने चालने का सलीका इनको पसंद नहीं है, इसकी वजह से सुखराम जी बाना उसके उनके खिलाफ रहे हैं। और अब सुखराम जी बाना को प्रधान के दावेदार की दौर में सबसे पहले देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी में लंबे समय से रहे हैं, चुनाव जीतते भी आए हैं हारते भी रहे हैं, लेकिन जीतने का इनको कोई घमंड नहीं होता है और हारने का इनको कोई गम नहीं होता है, और काफ़ी सहजता के साथ और संजीदगी साथ ये अपना जीवन यापन करते हैं। और इनका इन्होंने जैसा कि बताया, काफ़ी मुकदमेबाजियां भी इन पे झूठी हुई है जिनका परिणाम तो कुछ नहीं आया, लेकिन इन पे कीचड़ उछालने की कोशिशें की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये डरे नहीं डिगे नहीं, और अब भी इनका मनोबल सातवें आसमान पर है। उम्र दराज वयोवर्ध नेता है, लेकिन युवाओं की तरह युवाओं की पोज लेकर गाँव घर घर और ढाणी ढाणी जाकर भाजपा का कमल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके ब्लॉक के लोगों की माने तो उनका कहना है कि हम जो उम्मीदवार जीता के भेज रहे हैं वो प्रधान बनेंगे, प्रधान अगर नए भी बनते हैं तो प्रधान से कम नहीं रहेंगे, इस प्रकार का जीवन और विचार है सुखराम जी बाना के।